हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रेस बायोलॉजी पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उसे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है? इसमें ओगैमस। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंथेरिडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर्किगोनिया। सम स्पीसीज ऑफ एंथोसिरोस आर मोनोशियस। कुछ स्पीसीज मोनोशियस होती हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज सेम थैलस पे होती हैं। एग्जांपल क्या है? एंथोसिरोस लॉन्गाई, एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरोस हिमालयंसिस। एंड सम स्पीसीज आर डायोशियस, और कुछ स्पीसीज डायोशियस होती हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज डिफरेंट थैलस पे, मतलब अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस हेलाई, एंथोसिरोस पर्सोनाई। ये तीन एग्जांपल्स हैं। अब हम इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एंथेरिडियम, उसके बारे में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। ए मैच्योर एंथेरिडियम हैज ए स्टॉक एंड क्लब और पाउच लाइक बॉडी। मैच्योर एंथेरिडियम में एक स्टॉक होता है और एक क्लब या पाउच लाइक बॉडी होती है। द स्टॉक अटैचेस द एंथेरिडियम टू द बेस ऑफ एंथेरिडियल चैम्बर। स्टॉक का फंक्शन क्या होता है? एंथेरिडियम को एंथेरिडियल चैम्बर के बेस से अटैच करना। ए सिंगल और ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ टू फोर और मोर एंथेरिडिया आर प्रेजेंट इन द सेम एंथेरिडियल चैम्बर। एक एंथेरिडियल चैम्बर में एक एंथेरिडिया प्रेजेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा, दो या चार का ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है एक सिंगल एंथेरिडियल चैम्बर में। ए सिंगल लेयर्ड स्टराइल जैकेट एनक्लोजेस द मास ऑफ एंड्रोसाइट्स विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथेरोजोइट्स। एक सिंगल लेयर होती है जैकेट, स्टराइल जैकेट की, वो क्या अपने अंदर क्या कंटेन किए होती है? एंड्रोसाइट्स, जो कि मेटामॉर्फोसिस उनकी किस में होती है? एंथेरोजोइट में। इन सम स्पीसीज एग्जांपल एंथोसिरोस इरेक्टस जैकेट लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ फोर टीयर ऑफ सेल्स। और कुछ स्पीसीज में एग्जाम्पल है एंथोसिरोस इरेक्टस जैकेट लेयर होती है वो चार टीयर्स से बनी होती है, सेल्स की चार टीयर्स से। ईच टीयर कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर सेल्स। और हर एक टीयर किसका बना होता है? रेक्टेंगुलर सेल्स का, जो कि इलोंगेटेड होती हैं। इन लीवेस, इन एंथोसिरोस लीवेस जैकेट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी रिलेटिवली स्मॉलर एंड लेस रेगुलरली अरेंज्ड सेल्स। एंथोसिरोस लीवेस जो एग्जाम्पल है, इसमें जैकेट किसकी बनी हुई होती है? बहुत सारे छोटे छोटे और लेस रेगुलरली अरेंज सेल्स की। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये डेवलपमेंट के वक्त हम देखने वाले हैं, जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंथेरिडियम का। उससे पहले हम देख रहे हैं एंथेरिजॉइड। ए मैच्योर एंथेरिजॉइड इज यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट, बाइफ्लैजेलेट एंड हैज अ लीनियर बॉडी। एक मैच्योर एंथेरिजॉइड कैसा होता है? यूनिसेल्युलर, मतलब सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस होता है उसमें, दो फ्लैजिला होते हैं और एक लीनियर बॉडी होती है। द फ्लैजिला आर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम लेंथ। जो फ्लैजिला होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है, मतलब बराबर लेंथ के होते हैं ऑलमोस्ट। प्रोस्क्योर 1948 ऑब्जर्व दैट इन द बॉडी ऑफ एंथेरिजॉइट्स सो सम डिग्री ऑफ रेजिडुअल कर्वेचर। प्रोस्क्योर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एंथेरिजॉइट्स की बॉडी क्या शो करती है? रेजिडुअल कर्वेचर शो करती है कुछ डिग्री तक। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये एंथेरिजॉइड शो किए गए हैं, ये बाइफ्लैजेलेट एंथेरिजॉइड। अब हम डेवलपमेंट देखेंगे एंथेरिडिया का। द डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडियम स्टार्ट्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल डोर्सल सेल। जो एंथेरिडियम का डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक सुपरफिशियल डोर्सल सेल से। दिस सेल नेवर बिकम्स पेपलेट। ये सेल कभी पेपलेट नहीं होता, फूलता नहीं। ये देखिए डेवलपमेंट की स्टेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसमें हम देख रहे हैं सुपरफिशियल फर्टाइल सेल है, इससे शुरुआत होगी। ये इसमें अब डिवीजन होंगे, इसमें रूफ इनिशियल बनेगा, फिर एंथेरिडियल इनिशियल बनेगा, फिर म्यूसिलेजिनस कैविटी बनेगी, फिर इसमें टू डॉटर सेल्स बनेंगी। जो रूफ इनिशियल होगा वो रूफ बनाएगा एंथेरिडियल चैम्बर की, एंथेरिडियल इनिशियल एंथेरिडिया बनाएगा। ये देखिए ये रूफ स्ट्रक्चर है ये, इसमें और सक्सेसिव चेंजेस होंगे, फिर फाइनल ये स्टेज हमें दिखाई देगी। इसमें ये पहले हमने पढ़ रखा है पीछे पॉइंट्स में कि एंथेरिडियल चैम्बर में एक सिंगल एंथेरिडिया हो सकता है या ग्रुप्स ऑफ एंथेरिडिया हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो एंथेरिडिया शो किए गए हैं,
ये एंथ्रीडिया के अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स शो किए गए हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर, ये दो एंथ्रीडिया, उसमें एंड्रोगोनियल सेल्स। अब हम डेवलपमेंट डायग्राम के थ्रू देख चुके हैं, अब हम देखेंगे थ्योरेटिकली। इट डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन इनटू एन आउटर रूफ इनिशियल एंड इनर एंथ्रीडियल इनिशियल। तो ये जो सुपरफिशियल डोर्सल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और क्या बनाएगा, आउटर रूफ इनिशियल मतलब बाहर का रूफ इनिशियल और अंदर का एंथ्रीडियल इनिशियल, दो सेल्स बन जाएंगे। अनलाइक द हेपेटिक ऑप्सिडा एग्जाम्पल मार्केंशिया, द एंथ्रीडियम डेवलप्स फ्रॉम द इनर सेल। जैसा कि हमने मार्केंशिया में देखा था कि एंथ्रीडियम आउटर सेल से डेवलप हो रहा था, तो यहाँ पे एंथ्रीडियम इनर सेल से डेवलप होगा, तो इसीलिए लिखा है अनलाइक द हेपेटिक ऑप्सिडा, मतलब हेपेटिक ऑप्सिडा से अलग है ये। देयरफॉर एंथ्रीडियम इज एंडोजीनस इन ऑरिजिन, तो एंथ्रीडियम कैसा है ऑरिजिन में, एंडोजीनस। सून आफ्टर डिवीजन ए म्यूशलेजनस फील्ड स्पेस डेवलप्स बिटवीन एंथ्रीडियल इनिशियल एंड रूफ इनिशियल। तो डिवीजन के कुछ समय बाद एक म्यूशलेजनस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ भरी हुई एक स्पेस, एक जगह खाली, वो जो एंथ्रीडियल इनिशियल होगा और रूफ इनिशियल होगा उनके बीच में बन जाएगी, मतलब उनका डिफ्रेंशिएशन करवा देगी, अलग अलग करवा देगी उनको। द रूफ इनिशियल डिवाइड्स बाई पेरिक्लाइनल डिवीजन, अब ये जो रूफ इनिशियल और एंथ्रीडियल इनिशियल बने थे इनमें डिवीजन होंगे, तो रूफ इनिशियल पेरिक्लाइनल डिवीजन से बनता है, फॉलोड बाई मैनी एंटीक्लाइनल डिवीजन, और बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होते हैं, टू फॉर्म टू लेयर रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर, और उससे क्या बनेगा, दो लेयर्स की एंथ्रीडियल चैम्बर की रूफ बनेगी, रूफ इनिशियल से रूफ बनने वाली है, क्या बनने वाला, रूफ। द एंथ्रीडियल इनिशियल आइदर डायरेक्टली डेवलप्स इनटू ए सिंगल एंथ्रीडियम एग्जांपल एंथोसिरोस पर्शोनाई, और इट मे डिवाइड वर्टिकली इनटू टू फोर और समटाइम्स मोर डॉटल सेल्स एग्जांपल एंथोसिरोस इरेक्टस। जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो तो डायरेक्टली डेवलप कर सकता है एंथ्रीडियम में, जैसे कि एग्जांपल है एंथोसिरोस पर्शोनाई, और या फिर इसमें डिवीजन हो सकते हैं वर्टिकली चार या दो या फिर और ज़्यादा डॉटल सेल्स बना सकते हैं जो कि आगे फर्दर एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह वर्क करके एंथ्रीडिया बनाएंगे। एग्जांपल है इसका एंथोसिरोस इरेक्टस, ईच ऑफ डॉटर सेल्स फंक्शन एज एंथ्रीडियल इनिशियल। फिर उसके बाद जो डिवीजन के बाद हर एक सेल बनेगा वो कैसे फंक्शन कर सकता है, एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह फंक्शन कर सकता है। द एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड्स बाई टू वर्टिकल डिवीजन्स एट द राइट एंगल टू ईच अदर टू फॉर्म फोर सेल्स। अब जो एंथ्रीडियल इनिशियल होगा, जो सेल एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह वर्क करेगा, उसमें दो वर्टिकल डिवीजन होंगे एक दूसरे के राइट एंगल पर और चार सेल्स बनाएंगे। एट दिस स्टेज द यंग एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ फोर सेल्स, और इस स्टेज पे जो यंग एंथ्रीडियम होगा उसमें चार सेल हो जाएंगे, क्योंकि एंथ्रीडियल इनिशियल में डिवीजन हुआ और उन उस डिवीजन से दो डिवीजन आगे और हुए तो फिर चार सेल्स बन गए। ऑल द फोर सेल्स डिवाइड बाई ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म एट सेल्स अरेंज इन टू टीयर्स ऑफ फोर सेल्स ईच। जो ये सारे सेल्स हैं ये ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड होंगे और आठ सेल बनाएंगे, और जो चार चार सेल्स की दो टीयर्स में अरेंज हो जाएंगे, लग जाएंगे जाके। द सेल्स ऑफ लोअर टीयर आर कॉल्ड स्टॉक सेल्स, जो लोअर टीयर के सेल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टॉक सेल्स बोलेंगे। दीज सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड बाई ट्रांसवर्स डिवीजन्स टू फॉर्म मल्टी सेलुलर स्टॉक ऑफ द एंथ्रीडियम। अब ये सेल्स पहले डिवाइड करेंगे, फिर उनमें फर्दर डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और क्या बनाएगा, मल्टी सेलुलर स्टॉक बनाएगा, स्टॉक एंथ्रीडियम का। द फोर सेल्स ऑफ अपर टीयर फॉर्म द बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम। जो ऊपर के चार सेल्स होंगे ऊपर के टीयर के, वो क्या बनाएंगे, एंथ्रीडियम की बॉडी बनाएंगे। द फोर सेल्स डिवाइड बाई ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म एट सेल्स, और जो फोर सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे किससे, ट्रांसवर्स डिवीजन से, और एट सेल्स बना लेंगे। ईच सेल ऑफ ऑक्टेंट डिवाइड बाई कर्व्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म द एट आउटर प्राइमरी जैकेट सेल्स एंड एट इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। अब ऑक्टेंट में जो हर एक सेल होगा उसमें डिवीजन होगा, और कर्व्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और क्या बनाएंगे, आठ बाहर के प्राइमरी जैकेट सेल्स और अंदर के आठ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड बाई सेवरल रिपीटेड ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल्स। अब जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होगा उसमें डिवीजन होंगे, बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे,
पार्टिकल डिवीजन होंगे और क्या बनाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएंगे। द लास्ट जनरेशन ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स इज नॉन एज एंड्रोसाइट मदर सेल्स। जो एंड्रोगोनियल सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, एंड्रोसाइट मदर सेल, जो कि लास्ट जनरेशन होगी इन सेल्स की। ईच एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड्स बाई ए डायगोनल माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द टू ट्राइंगुलर सेल कॉल्ड एंड्रोसाइट। अब जो हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल होगी उसमें डिवीजन होंगे और डायगोनल माइटोटिक डिवीजन होके वो क्या बनाएंगे, दो ट्राइंगुलर सेल बनाएंगे जिन्हें हम एंड्रोसाइट्स बोलेंगे। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोसिस इनटू बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड। जो प्रोटोप्लास्ट होगा हर एक एंड्रोसाइट का वो मेटामॉर्फोसिस होगी उसमें और क्या बना लेगा, बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड बना लेगा, जो कि फाइनली फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा एग के साथ। बाइफ्लैजेलेटेड मतलब दो फ्लैजेला होंगे, मेटामॉर्फोसिस मतलब उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे उस सेल के अंदर और वो बना लेगा एंथेरोजॉइड। यहाँ तक एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन देख लिया हमने, अब हम डेहिशेंस ऑफ एंथेरिडियम देखेंगे, मतलब एंथेरिडियम से जो एंथेरोजॉइड्स होंगे वो कैसे बाहर निकल के आएंगे और एग तक पहुँच के फर्टिलाइजेशन करेंगे। डेहिशेंस मतलब एंथेरिडिया का फटना। वाटर हेल्प्स इन डेहिशेंस ऑफ एंथेरिडियम, वाटर हेल्प करता है एंथेरिडियम के डेहिशेंस में। एज द एंथेरिडियम मैच्योर्स द रूफ ऑफ द एंथेरिडियल चैम्बर ब्रेक्स डाउन इररेगुलर एक्सपोजिंग द एंथेरिडिया इन अ कप लाइक चैम्बर। जैसे ही एंथेरिडियम मैच्योर करता है तो जो रूफ होती है एंथेरिडियल चैम्बर की वो ब्रेक डाउन कर जाती है, टूट जाती है इररेगुलरली और एक्सपोज करती है, मतलब बाहर की तरफ दिखाती है एंथेरिडिया को एक कप लाइक चैम्बर में। द एंथेरिडिया एब्जॉर्ब वाटर एंड द अपर मोस्ट टीयर ऑफ ट्राइंगुलर सेल्स फॉल अपार्ट रिलीजिंग ए मास ऑफ एंथेरोजॉइट्स। अब जो एंथेरिडिया होंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर अवशोषित करेंगे पानी को, और जो सबसे ऊपर की टीयर होगी ट्राइंगुलर सेल्स की, टीयर मतलब लेयर, वो ट्राइंगुलर सेल्स की वो फॉल कर जाएगी, टूट जाएगी और बहुत सारे मास ऑफ मतलब बहुत सारे एंथेरोजॉइट्स को रिलीज कर देगी, छोड़ देगी। आफ्टर डेहिशेंस द एंथेरिडियम लूजेस टर्गर एंड कोलैप्सिस। जो डेहिशेंस के बाद जो एंथेरिडियम होता है उसके अंदर से वाटर कंटेंट निकल जाता है, टर्गर नहीं रहता, वो कोलैप्स कर जाता है, मतलब उसकी लेयर्स आपस में जो वॉल्स होंगी वो चिपक जाएंगी। इट इज़ फॉलोड बाई अनदर एंथेरिडिया टू कन्वर्ज टुवार्ड्स द ओपनिंग इन द रूफ एंड इन दिस वे ए कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ एंथेरोजॉइट्स इज पॉसिबल। इसी के साथ जो एंथेरिडिया, जो और एंथेरिडिया होंगे एक एंथेरिडियल चैम्बर में, वो भी रूफ की तरफ ओपन कर जाएंगे और कंटिन्यूस स्ट्रीम मतलब एक बहुत सारे, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, इस तरह से एक बहुत सारे एंथेरोजॉइट्स को निकाल देंगे बाहर। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोफाइट्स इन हॉर्नबर्ड्स। तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों बहुत सारे स्पोरोफाइट्स बन जाते हैं किन में, हॉर्नबर्ड्स में, क्योंकि बहुत सारे एंथेरोजॉइट्स एक साथ बाहर निकलते हैं और वो बनाते हैं स्पोरोफाइट फर्टिलाइजेशन करके। ये डायग्राम के थ्रू शो किया गया डेहिशेंस ऑफ एंथेरिडियम। ये एंथेरिडिया है और इसमें से बहुत सारे एंड्रोसाइट सेल्स निकल रहे हैं, मास ऑफ मतलब बहुत सारे होते हैं और फिर वो क्या बनाएंगे, एंथेरोजॉइट बनाएंगे जो कि फर्टिलाइजेशन करेंगे और स्पोरोफाइट्स बनाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, ये कम्प्लीट हुआ। इसमें हमने देखा था डेहिशेंस ऑफ एंथेरिडिया, डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया, स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडिया और स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरोजॉइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी आर्गिगोनियम का स्ट्रक्चर। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर भी आप देख लीजिए और ब्रायोफाइट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आपके बीएससी सिलेबस में वो सारी अवेलेबल हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाके वो भी देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर डाउट। Thank you.